लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मिल गया आपकी शादी का कार्ड, मिले कितनी शादी करोगे भाई, चौथी है कि पांचवी है? सॉरी आपके भतीजे की शादी है। नहीं वो क्या है, सूरज जी की उस दिन चार चार रिकॉर्डिंग है। हाँ? अरे भाई जब आएंगे नहीं तो गाना कैसे गा सकते हैं? अगली बार से ही, अगली बार हाँ, जब आपके मामे के भतीजे के बेटे की शादी होगी तो जरूर आएंगे भाई, गाना भी गाएंगे भाई। अच्छा भाई मुबारक है, राम 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 राम, थैंक यू। हेलो सिन, व्हाट हॉस्पिटल? अजी यहाँ बीवी नहीं है तो बच्चा कहाँ से होगा यार, सी यू। आप आ गए, लगता है इस देश में सिर्फ दो ही आदमी इतने मशहूर हैं, एक आपका सेक्रेटरी और एक सूरज मामा। यार ये सुबह से टेलीफोन कॉल्स अटेंड करते करते, ये फैन मेल अटेंड करते करते मेरा दिमाग खराब हो गया। लीजिए हेलो, देखिए मिश्रा जी वो सो रहे हैं, अभी तक सो रहे हैं भाई, आधे घंटे बाद फोन कीजिए। ओके सी यू। अगर ये काम की रफ्तार ऐसी रही ना तो लगता है मेरी शादी कभी नहीं होगी। हो जाएगी, बहुत जल्दी हो जाएगी, 15-20 साल में। क्या बाय द वे हमारे जयपुर के प्रोग्राम का क्या हुआ? प्रोग्राम तो हो रहा है, सब इंतजाम हो गया है, प्लेन की टिकट बुक करा ली है और पैलेस होटल में महाराजा सुइट भी बुक कराई है। हेलो सूरज,
ओहो डॉक्टर साहब आइए आइए चीजा जी। शुक्र है भाई तुम घर पे ही मिल गए, मैं तो सोच रहा था किसी रिकॉर्डिंग या किसी प्रोग्राम में चले गए होगे। वो तो सब चलता रहता है, बैठिए ना। थैंक यू। क्या हाल है सिन्हा? बस क्या डॉक्टर, कल आए विजयगढ़ से, सीधा वहीं से आ रहा हूँ। लेकिन आपका सामान? सामान कैसा, कुछ दवाइयां खरीदने आया हूँ, शाम की गाड़ी से वापस चला जाऊंगा। कमाल है, इतने दिनों के बाद आए और इतनी जल्दी चल देंगे। तुम तो जानते हो कि मेरे लिए डिस्पेंसरी छोड़ना कितना मुश्किल है, फिर भी मैं तो कभी कभी आ भी जाता हूँ। तुम तो अपनी बहन की डेथ के बाद हमें भूल ही गए भाई। मेरे लिए ना सही, कम से कम अपने बंटू के लिए तो आ जाया करो। बंटू की याद तो मुझे भी बहुत आती है, लेकिन क्या करूं, ये प्रोग्राम्स ये रिकॉर्डिंग्स आप तो समझ सकते हैं, टाइम ही नहीं मिलता। अरे भाई फुर्सत तो निकालने से मिलती है। हेलो सूरज, बाथरूम में है? रीटा? सॉरी सॉरी, नहीं यही यही है, होल्ड ऑन प्लीज। हां रीटा का फोन है, उसे कह दो हम शाम को वक्त पे पहुंच जाएंगे। ओके रीटा, शाम को हम लोग ठीक वक्त पे आ जाएंगे। ओके बाय। जीजा जी कैसा नहीं हो सकता, आज शाम के बजाय कल सुबह की गाड़ी से जाएं, क्योंकि आज रीटा ने मेरे ऑनर में एक पार्टी दी है, मैं चाहूंगा आप भी चलें, बड़ा मजा आएगा। सॉरी सूरज, मुझे आज ही जाना होगा, मेरा एक पेशेंट बहुत सीरियस है। बाय द वे ये रीटा कौन है? डॉक्टर साहब मैं बताता हूँ, रीटा कल तक इनकी पंखी थी, आई मीन फैन, और अब वो फैन से फियांसी बनने वाली। अच्छा अब बात समझ में आई भाई, मुबारक हो सूरज, ये तुमने अच्छा किया। क्या बता रीटा, हम लोग तो बहुत जल्दी स्टार्ट हो रहे थे, मगर कुछ लास्ट मोमेंट पर प्रोड्यूसर ऐसे आ गए कि हमारी पंक्चुअलिटी पंक्चर हो गई। कोई बात नहीं, मेरी दोस्त है ये शीला, ये अंजू, ये वीना, ये नीलम, ये नैना, बाकी तो तुम जानते हो। हेलो नमस्ते अंकल। चलो बेटा जीते रहो। अरे तुमने तो इस तरफ आना ही छोड़ दिया। क्या अंकल, काम इतना बढ़ गया है कि इधर आना मुश्किल हो जाता। जानता हूँ बेटा, बहुत बिजी रहा करते हो ना, तुम्हारी इस कामयाबी की जितनी मुझे खुशी है उतनी तुम्हें भी नहीं होगी। अंकल बोलो, बच्चों की कामयाबी पर बड़ों को खुशी ना होगी तो और किसको होगी? वेरी ट्रू, वेरी प्राउड ऑफ यू माय बॉय, वेरी प्राउड ऑफ यू। रीटा कुछ करो तो भाई। कम ऑन रीटा, तुमने पार्टी दी है, कुछ खिला पिलाओ सबको। ऑफ कोर्स लेडीज एंड जेंटलमैन, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि सूरज ने संगीत की दुनिया में कितनी जल्दी इतनी शोहरत हासिल की है, पिछले हफ्ते जो इन्हें अवार्ड मिला है, ये पार्टी उसी खुशी में। Here, 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 come on. इस खुशी के मौके पर मैं अपनी तरफ से सूरज को एक अनमोल तोहफा देना चाहता हूँ। सूरज तुम एक संगीतकार हो, तुम्हारे लिए इससे बेहतर तोहफा और क्या हो सकता है सूरज? इस तोहफे के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सूरज तुम जानते हो इस तानपुरे के पीछे एक हिस्ट्री है। हिस्ट्री? कहते हैं कि कई साल पहले चंदनगढ़ में एक राज नर्तकी थी, ये तानपुरा उसी का तानपुरा था। देखो इसका नाम भी लिखा हुआ है, देखा आपने? रत्ना।
Hello. Yes. What? Flight cancelled? दूसरी फ्लाइट कब की है? कुछ पता नहीं. Okay, thank you. My God. मर गए भाई. अरे कहाँ चला गया पता? सूरज कहाँ चला गया पता है? अरे तुम यहां हो? क्या रात भर सोए नहीं? नहीं नहीं सोया तो था. एक दर्द भरा गीत सुना, मेरी आंख खुल गई. वही आवाज सुनकर तुम आए हो ना? जी नहीं. नहीं, मैं तुम्हारी तरह सपने नहीं देखा करता. मेरी नींद तो तुम्हारे उस टेलीफोन ने खराब कर रखी है. जब देखो टर 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 टर. वो जयपुर की फ्लाइट कैंसिल हो गई, मौसम खराब है. चलो अच्छा हुआ, मेरा भी मूड ठीक नहीं है. कैंसिल कर दो प्रोग्राम. कैसे कैंसिल कर दो भाई? प्यारे लाल ने कहा है कि सोफा से लेके गैलरी तक के टिकट बिक चुके हैं. अगर हम लोग वक्त पर नहीं पहुंचे तो पब्लिक उसका कचूमर बना देगी. लेकिन जब फ्लाइट ही नहीं तो फिर पहुंचेंगे कैसे? वो मुझ पर छोड़ दो भाई. फ्लाइट कैंसिल हो गई तो क्या हुआ? जयपुर पहुंचने के और भी तो तरीके हैं. शो मस्ट गो ऑन. ओके ओके चलो 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 चलो. मगर इस वक्त नहीं. तुम कौन हो? मैं रत्ना. रत्ना? हाँ, चौकीदार की बेटी. यहाँ कोई कमरा मिलेगा? आइए. आपकी गाड़ी खराब हो गई है? नहीं नहीं, तूफान की वजह से रास्ता बंद हो गया. तूफान भी तो बड़े जोर का आया है.
एक कहानी जानते हो? हाँ, वही मुझे यहाँ लाई है। क्या कह रहे हो? वो तुम्हें यहाँ लेकर आई? हाँ। झूठ! आओ मेरे साथ, आओ मेरे साथ, आओ मेरे साथ, आओ मेरे साथ। तुम रत्ना से मिलना चाहते हो ना? वो देखो, वो है रत्ना। ये तो उसकी तस्वीर है।
खुद कहा। वो इस दुनिया में नहीं रही, उसे मरे तो बरसों बीत गए। मैं नहीं मानता, मैं उसे अभी भी मिल चुका हूं। मैं कहता हूं रत्ना मर चुकी है, इस महल में अब उसकी आत्मा भटकती है। चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ, चले। क्या रहे हो? मैं ही तुम्हारी रत्ना हूं, भूल गए अपनी रत्ना को, रत्ना के प्यार को? तुम्हें तुम्हें कुछ भी याद नहीं? ये कमरा, ये महल, इसी महल में तो पहली बार हम दोनों का सामना हुआ था। याद करो वो पहली मुलाकात, वो रंगीन शाम, चारों तरफ झिलमिलाती जगमगाती रोशनी ही रोशनी थी। भरे दरबार पर सन्नाटा छाया हुआ था, लोग बेचैनी से महाराज के इशारे का इंतजार कर रहे थे। उनका इशारा हुआ और सुनती है ये छम से
बज उठती है। ये चम से बज उठती है, नीब मरनी सतो है बना देगी ये दुल्हनिया, गोरी 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 पैजनिया पैजनिया, गोरी गोरी पैजनिया। घर से निकलती है तू, गिरती संभलती है तू, कुछ ऐसे चलती है तू, कुछ ऐसे चलती है तू, ठुमक ठुमक के घायल जैसे कोई दुनिया, गोरी 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 पैजनिया पैजनिया, गोरी गोरी पै गोरी 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 पैजन पैजनिया, गोरी गोरी हाँ गोरी गोरी हाँ गोरी 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 पैजनिया। महाराज मेरी कला से प्रसन्न हुए, मेरी तपस्या का यही फल है। उस्ताद बंदे अली खान, आपकी क्या राय है प्रकाश के बारे में? महाराज की आंखें एक फनकार को पहचानने में कैसे गलती कर सकती है? बरखुरदार में हर वो गुण है जो एक अच्छे गायक में होना चाहिए। शुक्रिया उस्ताद जी। जीते रहो बेटे। लेकिन यह भी सच है, अगर आज रत्ना देवी का साथ ना मिलता तो आज मैं इस संगीत की बुलंदी पर ना पहुंच पाता। तुम ठीक कहते हो प्रकाश। सभाजन, प्रकाश को हम अपना राजगायक बनाते हैं। आपकी जय, आपकी जय, आपकी जय। मुबारक हो।
लिया। आज तो आपने कमाल ही कर दिया, सारा दरबार पत्थर की मूरत बनकर आपका नाच देख रहा था। नहीं गौरी, आज तो लोगों पर प्रकाश जी ने जादू कर दिया था। मुझे तो उनमें कोई खास बात नजर नहीं आई। नहीं गौरी, ऐसा नहीं कहते, महाराज ने सच ही कहा था, प्रकाश जी संगीतकार नहीं जादूगर हैं। अच्छा, तो अब समझे उनकी जीत का राज। क्या समझे? आपका ध्यान अपने नाच से ज्यादा उनके संगीत पर था। धप। लेकिन मैं तो कहती हूँ वो सितार भी अनाड़ी की तरह बजा रहे थे, तभी तो सारी उंगलियां जख्मी कर बैठे। क्या उनकी उंगलियां जख्मी हो गई? और नहीं तो क्या, अब भी बारादरी में मुझसे पूछ रहे थे तुम्हारे पास कोई मरम वरम है। मैंने तो कड़ाक से कह दिया मेरे पास कोई मरम वरम नहीं। उन्होंने मरहम मांगा और तुमने इनकार कर दिया। क्या सोच रहे होंगे, जल्दी जाके देखिए। हाँ? जाओ ना। अच्छा, अगर आप कहते हैं चली जाओ। जल्दी जाओ। सुनो, उन्हें ये मत बताना कि मरहम मैंने भिजवाया। समझ गई। ये फूल कितने खूबसूरत लग रहे हैं, मगर इनमें आपका रंग नहीं, जिसे चुराकर सूरज की पहली किरण फूटती है। तो बातें बहुत करने लगी है। और मैं कर भी क्या सकती हूँ दीदी, आपकी तरह पैर तो चला नहीं सकती, इसलिए जबान चला लेती हूँ बस। अच्छा अच्छा, मुंह बंद कर, मुझे जरा मौसम का मजा लेने दो। ओफो, मैं कहती हूँ दीदी अब सैर बहुत हो चुकी, अब चलिए अपने कमरे में, अगर कहीं सर्दी लग गई ना तो उस्ताद जी मेरी जान को खा जाएंगे। मैं और थोड़ा घूमूंगी। एक काम कर, क्या तू दो शाला लेके आ मेरे लिए। अच्छा। ले आई दोशाला, ला उड़ा दे, उड़ा दो ना। अरे आप माफ कीजिए, मैं समझी गौरी है, दोशाला लाने गई है। इसे भी आप नहीं समझो? शुक्रिया। शुक्रिया तो मुझे अदा करना चाहिए उस मरहम के लिए जो आपने मेरे लिए भिजवाया था। मरहम? मैंने तो आपको कोई मरहम नहीं भिजवाया था। जी, गौरी तो यही कह रही थी। झूठी कहेंगी, खुद मरहम ले गई और मेरा नाम ले दिया। जो कुछ भी हो, लेकिन इस मरहम ने वाकई जादू का काम किया, रात भर में घाव भर दिए, देखिए निशान तक नहीं रहा। इन हाथों से आप कितना मधुर सितार बजाते हैं, जानते हैं आप, रात भर आपका सितार और आपका गीत मेरे कानों में रस घोलता रहा। और आपके घुंघरों की झनकार ने मुझे रात भर सोने नहीं दिया। समझ में नहीं आता किन लफ्जों में आपके नृत्य की तारीफ करूं। आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। आप मानिए या ना मानिए रत्ना जी, अगर मुकाबले में आप मेरा साथ न देती तो शायद मेरी कला गुमनामी के अंधेरों में भटकती रहती। आपने मुझे रोशनी दी है, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। फूल पसंद है आपको? फूल किसे पसंद नहीं। ये फूल पेश करने की गुस्ताखी कर सकता हूँ? प्रणाम गुरुदेव। कौन? आपने मुझे पहचाना नहीं? अरे ठाकुर हिम्मत सिंह जी। बेटा बजरंगी। जी गुरुदेव। ठाकुर साहब के लिए कुछ जलपान का प्रबंध करो। जो आगा गुरुदेव। अगर मैं भूलता नहीं तो 15 साल पहले आप ही प्रकाश को मेरे यहाँ संगीत सीखने के लिए छोड़ गए थे। जी हाँ। देखे तो कितने बरस बीत गए। आइए आइए, इतने बरसों आपने उसकी कोई खबर ही नहीं ली। उसके बारे में तो समाचार मुझे बराबर मिलते रहते, यहाँ इसलिए नहीं आया
कि आपके आश्रम के नियम ही कुछ ऐसे हैं कि जब तक आपका शिष्य कला की साधना में पूरी तरह सफल न हो जाए तो उसे कोई नहीं मिल सकता। आप मुझसे मिलने तो आ सकते थे। आया तो दो तीन बार था, किंतु हर बार किसी न किसी राजा महाराजा के निमंत्रण पर आप बाहर गए हुए। हाँ हाँ हाँ, अरे हाँ, आपने कुछ सुना, आपका प्रकाश चंदनगढ़ का राज गायक बन गया है। जानता हूं, आज सारे इलाके में उसकी धूम मची हुई है। गुरुदेव, आज उसी के बारे में आपसे कुछ कहने आया हूं। कहिए। जमुना बेटिया सयानी हो गई, अगर आपकी आज्ञा हो तो खुश शुभ घड़ी देखकर उसका गौना कर दो। गौना? जी हाँ, आप तो जानते ही हैं प्रकाश के पिता की अंतिम इच्छा के अनुसार उन दोनों की शादी बचपन में ही हो गई थी। हाँ हाँ, आपने बतलाया था, मगर प्रकाश उस वक्त इतना छोटा था कि मैंने उसे बात बताई नहीं, और फिर वो संगीत में कुछ ऐसा खो गया कि मैं भी जमुना बिटिया के बारे में बताना भूल गया। अब क्या होगा? आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए ठाकुर साहब, सब ठीक हो जाएगा। मगर प्रकाश ने तो जमुना को देखा तक नहीं। तो क्या हुआ, महाशिवरात्रि के दिन प्रकाश मंदिर आने वाला है, मैं जमुना बिटिया को अपने साथ लेकर जाऊंगा, वो एक दूसरे को देख लेंगे। जो आ गया गुरुदेव। गुरु जी, रहो बेटा, भगवान करे संगीत की दुनिया में तुम सूरज बनकर चमको। प्रकाश, इसे पहचाना? नहीं तो। ये ठाकुर हिम्मत सिंह की बेटी जमुना है। जमुना? ठीक से याद नहीं आ रहा। याद भी कैसे आएगा, तुम तो बचपन ही में गांव से यहाँ आ गए। जानते हो, तुम दोनों बचपन में साथ खेला करते थे। अच्छा, तुम तो ऐसे बातें करो, मैं पुजारी जी से मिल के आता हूं। कुछ कहिए ना। क्या कहूँ, आपको तो कुछ भी याद नहीं। चमना जी, समय की धारा में इंसान बह के कहीं से कहीं निकल जाता है, फिर अपने गांव अपने साथियों को भी भूल जाता है। कुछ नहीं ऐसी बात। खैर छोड़िए इस बात को, सुना है आप राजगायक बन गए हैं। जी, गुरु जी का आशीर्वाद है। किसी वक्त समय निकाल कर गाँव आइए ना, वहाँ कुछ भी नहीं बदला, सब कुछ वैसे का वैसा ही है। जी आऊंगा मैं। चलूं? ये क्या पूजा के फूल? देवता के चरणों में चढ़ा दिए। बग्गी तो आप यूं चला रहे हैं जैसे ये इलाका आपका जाना पहचाना हो। मैं तो रहने वाला यहीं का हूँ, खास चंदनगढ़ के। सुजानगढ़ यहाँ से कोई 10 कोस पर है, लेकिन अरसा हो गया उसे देखे। क्यों? बचपन से गुरुजी के साथ आश्रम में रहा। आपके माता पिता भाई बहन? कोई भी नहीं। और आपकी पत्नी? अभी तक तो नहीं है, लेकिन तलाश जरूर है। मेरे बारे में तो तुमने सब कुछ पूछ लिया, अपने बारे में कुछ नहीं बताओगी? क्या बताऊं? कहाँ की रहने वाली? लखनऊ की। माँ बाप? माँ तो मेरी बचपन में ही गुजर गई थी, बाप की सूरत आज तक नहीं देखी। क्या मतलब? जिस घराने से मेरा ताल्लुक है वहां सिर्फ माँ होती है, बाप नहीं। मुझे मालूम था मेरी असलियत जानकर आपके दिल में मेरे लिए नफरत पैदा हो जाएगी, लेकिन मैं आपको धोखे में नहीं रखना चाहती हूँ। माँ के गुजरने के बाद उस्ताद जी ने मुझे अपनी बेटी बना लिया, पाला पोसा, संगीत की तालीम दी। वो ना होती तो शायद मैं भी यहाँ के राजमहल में नहीं, अपनी माँ की तरह
लखनऊ के बाजार में बिक गई होती। जानती हो, कमल तो पैदा ही कीचड़ में होता है। तो आपके दिल में अभी मेरे लिए इज्जत है? इज्जत तो कल तक थी, आज से तो मोहब्बत है। ये रंग महल है, कितना सुंदर, कितना विशाल। इसे महाराज ने अपनी चहेती रानी के लिए बनाया है। वो दोनों हर साल गर्मियों में यहाँ आते हैं और सब कुछ भूलकर अपनी मोहब्बत की दुनिया में खो जाते हैं। सचमुच कितना सुकून है यहाँ। इसलिए तो मैं तुम्हें यहाँ लाया हूँ। वादा करो मुझे कभी जुदा नहीं होगी। मैं वादा करती हूँ, जन्म जन्म तक आपका साथ निभाऊंगी। ये शिव मंदिर है, कहते हैं वहां जाकर सच्चे दिल से जो भी मुराद मांगो वो पूरी हो जाती है। किसी दिन ले जाऊंगा वहां, भगवान से मांग लूंगा तुम्हें। सच? सच। आप कहां से तशरीफ ला रही हैं? जब आप जानते हैं तो पूछते क्यों हैं? अच्छा, तो नौबत यहां तक पहुंच गई है। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी रत्ना। लेकिन मैंने कोई गलत काम नहीं किया। तुमने खुलेआम मेरी हुक्मदूली की है। तुम अच्छी तरह जानती हो कि मुझे प्रकाश से तुम्हारा मेलजोल बिल्कुल पसंद नहीं। मैं मजबूर हूं उस्ताद जी, मैं आपका ये हुक्म नहीं मान सकती। रत्ना, तुम होश में तो हो? जानती हो तुम क्या कह रही हो? जी हाँ, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। प्रकाश जानता है कि तुम कौन हो? ये भी कि तुम एक तवायफ की बेटी हो? जी हाँ, मैंने अपने बारे में उन्हें सब कुछ बता दिया। तुमने तो अपने भोलेपन में उसे सब कुछ बता दिया, मगर मुझे यकीन है कि उस धोखेबाज फरेबी ने अपने बारे में तुम्हें कुछ नहीं बताया होगा। उस्ताद जी, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं बेटी, तुम्हारी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, मगर मुझे अफसोस से यह कहना पड़ता है कि प्यार के नाम पर प्रकाश तुम्हारे साथ खेल तो सकता है, शादी नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि उस मक्कार की शादी हो चुकी है। नहीं नहीं, मैं शादी को नहीं मानता हूं। जब हमारी शादी हुई तो हम दोनों बच्चे थे। मगर शादी बच्चों का खेल नहीं, और फिर यह शादी तुम्हारे पिता और ठाकुर साहब की मर्जी और खुशी से हुई। तो क्या आप चाहते हैं कि उनकी खुशियों के लिए मैं अपनी खुशियों की कुर्बानी दे दूं? जीवन में महान वही होता है बेटा, जो दूसरों की मुस्कान के लिए अपने आंसू पी ले। तुम्हें यह गौरना करना ही पड़ेगा, ये मेरी आज्ञा है। मैंने हमेशा आपकी आज्ञा का पालन किया है, लेकिन लेकिन इस मामले में मजबूर हूँ। बेटा तुम नहीं जानते तुम्हारे घराने पर ठाकुर साहब के कितने एहसान हैं। उन एहसानों के बदले में वो जो कीमत चाहें मैं चुकाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन। बहुत अच्छे, आज हमारा बेटा हमारे एहसानों को खरीदना चाहता है। बचपन में जिसके पसीने पर हमने खून बहाया था, आज वो हमारी भावनाओं के खून से अपनी जिंदगी को रंगीन बनाना चाहता है। ठाकुर चाचा, मैं प्रकाश बेटा, बात अगर सिर्फ हमारे हद तक होती तो आज हम बड़ी खुशी से तुम्हारा ये अरमान भी पूरा कर देते, लेकिन क्या करें, हमारी एक जवान बेटी भी है जो बरसों से एक ही सपना देख रही और जिसने आंखों में एक ही तस्वीर बसा रखी है। वो तुम्हारा नाम लेकर जागती है, वो तुम्हारा नाम लेकर सोती है। क्या तुम्हारे दिल में उसके लिए कोई जगह नहीं? जमुना के लिए हमारे दिल में इज्जत है, हमदर्दी है। जमुना को हमदर्दी नहीं, उसका पति चाहिए और पति का प्यार। जो प्यार हम संगीत की देवी को अर्पण कर चुके हैं, वो प्यार हम वापस कहां से लाएं? अरे, लेकिन सुनिए तो रत्ना।
रत्ना, आप यहाँ क्यों आए? क्या हुआ? आप यहाँ से चले जाइए। आखिर बात क्या, कुछ तो बताओ। गौरी, इनसे कह दो कि यहाँ से चले जाएं। रत्ना, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी। इनसे कह दो कि मैं इनकी कोई बात नहीं सुनना चाहती। लेकिन गौरी, ये चले जाएं तो दरवाजा बंद कर देना। जाने से पहले इतना तो बताती जाओ, मुझसे ऐसी कौन सी भूल हुई है जिसकी मुझे इतनी बड़ी सजा दी जा रही है? भूल तो मुझसे हुई है, जो आपकी बातों में आकर आप पर विश्वास किया, आपको चाहा, आपकी पूजा की। काश मुझे मालूम होता कि आप मेरे जज्बात से खेल रहे हैं, मुझे धोखा दे रहे हैं आप। धोखा? मैंने तुम्हें धोखा दिया? हाँ, मैंने आपको अपने बारे में सब कुछ बता दिया था, मगर आपने मुझे कभी नहीं बताया कि आपकी शादी हो चुकी है। जिस शादी के बारे में मैं खुद नहीं जानता था, उस शादी के बारे में तुम्हें क्या बताता? ये बात मुझे कल गुरुजी ने बताई। फिर आप यहाँ क्यों आए हैं? तुम्हें वो कसमें वादे याद दिलाने के लिए जो तुमने मेरे साथ किए थे। तब की बात और थी, आज की बात और है। बात आज भी वही है रत्ना। नहीं, आज आप शादीशुदा हैं। बचपन के उस खेल को तुम जीवन भर का बंधन समझती हो? बचपन का खेल? और नहीं तो क्या। जब मेरी शादी हुई, मेरी उम्र 5 साल की थी। उस वक्त ना मैं कुछ सोच सकता था, ना महसूस कर सकता था। सिर्फ इतना जानता था, शादी एक गुड़े गुड़िया का खेल और कुछ भी नहीं। लेकिन आपकी शादी गुड़े गुड़ी का खेल नहीं था। खेल ही तो था, फर्क सिर्फ इतना था कि वो खेल दो बच्चों ने नहीं बल्कि दो बड़ों ने मिलकर खेला था। लेकिन इसमें आपकी पत्नी का तो कोई दोष नहीं? पत्नी? जिस लड़की के बारे में कुछ जानता नहीं, जिसे मैंने आज तक कभी देखा नहीं, उसे अपनी पत्नी कहां से मान लूं? आप कुछ भी कहें, मगर समाज आपको इस बंधन को कभी नहीं तोड़ने देगा। रत्ना, मुझे ऐसे समाज की परवाह नहीं जो दो प्यार करने वालों के बीच में एक दीवार बनकर खड़ा हो जाए। आपको न सही, मुझे तो समाज की परवाह है। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से लोग आपका जीना मुश्किल कर दें। रत्ना, अगर तुम मेरे साथ हो तो दुनिया की हर मुश्किल आसान है। हम ये शहर, ये महल, ये नौकरी सब छोड़कर चले जाएंगे कहीं दूसरी जगह,
चाहे शान और शौकत ये ठाट बाट न सही, लेकिन हम दोनों का प्यार जरूर होगा। सोच लो, आज शाम को मैं शिव मंदिर पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। तब तक तुम्हें फैसला करना होगा कि तुम एक राजनर्तकी बनकर जीना चाहती हो या मेरी महबूबा। शिव मंदिर है, कहते हैं वहां जाकर सच्चे दिल से जो भी मुराद मांगो वो पूरी हो जाती है। ओम नमः शिवाय, गंगाधराय, शंकराय, नमो नमः। गैर, तुम इस मंदिर में नहीं आ सकती। क्यों? इस पवित्र मंदिर में तुम जैसी छोटी जात की औरतें प्रवेश नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? जमना बिटिया, पुजारी जी, आप इसे मंदिर में जाने क्यों नहीं देते? तुम नहीं जानती बिटिया, ये राज नर्तकी रत्ना है। राज नर्तकी रत्ना? हाँ बेटी, ऐसी औरतों के लिए मंदिर में आने की मनाही है। पुजारी जी, मंदिर भगवान का घर है, इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप इसे अंदर आने दें। आओ बहन, रहने दीजिए, मैं यहीं से प्रणाम कर लूंगी। नहीं नहीं, तुम मेरे साथ आओ। आओ ना, आओ लीजिए, आओ। अरे, तुम पूजा करने आई हो और फूल नहीं लाई? मैं अचानक यहाँ आ गई, जल्दी में फूल लाना भूल गई। कोई बात नहीं, तुम मेरे फूल ले लो। क्या मांगने आई हो भगवान से? जी कुछ नहीं, यहाँ जो भी आता है कोई ना कोई मुराद लेकर आता है। बड़ी मानता है इस मंदिर की, यहाँ दूर दूर से यात्री खाली हाथ आते हैं और भरी चोरी लेकर जाते हैं। लेकिन मैं तो, तुम बताना नहीं चाहती, मत बताओ, मैं जानती हूँ। क्या? हम दोनों की एक ही मुराद है, अब देखना यह है कि भगवान किसकी सुनते हैं, किसको वरदान देते हैं, तुम्हारे 10 महीने के प्यार को या मेरी 10 साल की तपस्या को। मैं समझी नहीं। मैं जमुना हूँ, राज गायक प्रकाश जी की पत्नी। मुझे एक ही बात का डर लगता है, अगर वो यहाँ आगे मुझे लेने तो मैं उनका सामना नहीं कर सकूंगी। घबराओ नहीं बेटी, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम दोनों का सामना ही ना हो। रत्ना, रत्ना, हेलो रत्ना, मुझे तुमसे कुछ कहना है।
बड़े बदतमीज हो, इतना भी नहीं जानते कि किसी के घर में बिना इजाजत दाखिल नहीं होते। रत्ना के कमरे में दाखिल होने के लिए मुझे किसी की इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। तुम शरीफों के तौर तरीके भी भूल गए। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मैं रत्ना का उस्ताद हूँ और वो मेरी बेटी की तरह। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि रत्ना मेरी मोहब्बत है, मैं उसे लेने आया हूँ और लेकर जाऊंगा। ये तुम्हारे साथ कहीं नहीं जा सकती। आप इसे नहीं रोक सकते। ये फैसला बरखुरदार मेरा नहीं रत्ना का है। रत्ना कह दो ये सब झूठ है। ये सच है। क्या कह रही हो? जो मुझे बहुत पहले कहना चाहिए था वो कसमें, वो वादे सब झूठ है। तब मैं जिस बात की रोह में बहकर अपने होश खो बैठी थी, लेकिन अब मैं पूरे होश में हूं। मैं आपके साथ नहीं जा सकती। जा सकती? आज मैं जिस मुकाम पर हूं वहां तक पहुंचने के लिए मुझे कितनी तपस्या करनी पड़ी है, कितनी मेहनत करनी पड़ी है। आपका प्यार मुझे क्या दे सकता है? ये महल, ये ऐशो आराम, ये नाम, ये शोहरत, ये सब दे सकते हैं आप मुझे? रत्ना चाहिए, चले जाइए यहां से। आखिर तुमने मेरी मोहब्बत को दौलत के तराजू में तोल लिया। मैं तुम्हारे प्यार में अंधा हो गया था, भूल गया था कि मैं एक परछाई का पीछा कर रहा हूं। आज तुमने साबित कर दिया कि तुम जैसी औरतें बाजार में बिकने के लिए होती हैं, मोहब्बत करने के लिए नहीं। बेवफा मक्कार। उस्ताद जी, मैंने ठीक किया ना? बेटी आ प्रकाश आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। क्या बात है, तुम कुछ परेशान दिखाई देते हो। आपने ठीक ही कहा था, जो फूल बाजारी कोटों पर सजने के लिए खिलते हैं वो शरीफ घरानों की शोभा नहीं बन सकते। अच्छा हुआ प्रकाश, तुम ठोकर खाकर गिरने से पहले ही संभल गए। बेटा अब ठाकुर साहब के घर पर छाए हुए अंधेरे को उजाले में तब्दील कर दो। चलो बेटा। किसका दावतनामा है उस्ताद जी? प्रकाश का। परसों उसकी शादी और हमें मुजरे के लिए बुलाया। क्या सोचा है आपने? जाइए क्या? हमारे जख्मों पे जितना नमक छिड़कना था छिड़क दिया है उसने। अब वहां जाके और जलील होने की हिम्मत नहीं है हमें। नहीं उस्ताद जी, कोई चाह से बुलाए तो जरूर जाना चाहिए। और फिर ये तो राजगायक की शादी है, हम उनकी खुशी में जरूर शामिल होंगे। जब वक्त ने हमारी जिंदगी के फासले मिटा दिए तो फिर ये शर्म का पर्दा क्यों? देखो अगर तुम यूं ही शर्माती रही तो ये पर्दा ऐसे ही पड़ा रहेगा। तो आप ये पर्दा उठा दीजिए ना।
दुश्मन हूँ, मैं गम की दुल्हन हूँ, टूटे वादों से, भूली यादों से, जान जलती है, चोट लगती है, फिर भी जिंदा हूँ, मैं शर्मिंदा हूँ, ऐ मेहबानो, मेरे दीवानो, एक तहते हो, चंद लोगों को प्यार करने का हक नहीं होता, क्या मैं फिर ये, क्या मैं फिर ये, क्या मैं फिर ये तमन्ना करूंगी, मैं तवायफ हूँ मुजरा करूंगी, मैं तवायफ हूँ मुजरा करूंगी। राज गायक जी, शादी मुबारक हो। आपने मुझे जिंदगी में बहुत कुछ दिया है, लेकिन आज ये तवायफ आपसे कुछ लेने नहीं आई है। याद है आपने एक दिन कहा था, तुम्हारी आवाज में सुर भी है, ताल भी है, लेकिन दर्द नहीं। आज मैं आपसे यही पूछने आई हूँ, अब तो आपको मेरी आवाज में दर्द महसूस हुआ ना? इस दर्द के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चली गई वो। मैं संजीत की कहानी खत्म हो चुकी है, लेकिन आज पता चला जो दूसरों का अधिकार छीनने में कामयाब नहीं होते वो किसी ना किसी तरह उनकी जिंदगी में जहर भर देते हैं। जमुना, मैं जानती हूं जब वो अपनी कला की छल कपट से आपको जीत ना सकी तो आज ये नया रूप धारण करके यहाँ चली आई। कला में कोई छल कपट नहीं होता, कला तो एक पूजा होती है। अगर उसकी पूजा सच्ची होती तो पूर्णमासी की रात शिव मंदिर में भगवान उसकी जगह मुझे वरदान ना देते। पूर्णमासी की रात, क्या कह रही हो तुम? मैं तो कुछ भी कहना नहीं चाहती थी, मगर आप कहने पर मजबूर कर रहे हैं। सुना तो बहुत पहले था कि वो आप पे डोरे डाल रही है, मगर मुझे यकीन नहीं हुआ था। सच क्या है ये जानने के लिए मैं ही उसे मंदिर में ले गई थी, मगर जब उसे ये पता चला कि मैं आपकी पत्नी हूँ तो वो वहां से भाग गई। अगर वो आपसे प्यार करती थी तो वहां से भागी क्यों? भगवान से आपको मांगने की हिम्मत क्यों ना कर सकी? क्योंकि उसके दिल में छल था, खोट थी, पाप था। नहीं जमना, नहीं, तुम्हें मालूम होना चाहिए तुमने अपनी मांग का संदूर भगवान के वरदान से नहीं, रत्ना के बलिदान से मिला है। उस रात वो मंदिर मुझे मिलने आई थी, क्योंकि हम तय कर चुके थे सब कुछ छोड़कर हम भाग जाएंगे, लेकिन तुम्हें
लेकिन तुम्हें मिलने के बाद उसने अपना इरादा बदल दिया। कहाँ जा रहे हैं आप? रत्ना के पास। नहीं, मैं आपको नहीं जाने दूंगी। नहीं जमना नहीं, सच्चाई जानने के बाद तुम तो क्या मुझे भगवान भी नहीं रोक सकते। रत्ना मेरा प्यार है, मेरी जिंदगी है, सब कुछ है। सुनिए, मुझे छोड़ना मत, मुझे छोड़ना मत, रुक जाइए, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मुझे छोड़ने मत जाइए, सुनिए, सुनिए, रुक जाइए। क्या हुआ बेटी? वो चले गए। आज चला गया? मेरा सम्मान, मेरा अधिकार, सब कुछ मिलने भी मिला कर चले गए। नहीं बेटी, जब तक ठाकुर हिम्मत सिंह जिंदा है, कोई उसकी आबरू से नहीं खेल सकता। तू अंदर जा, मैं अभी उसे लेकर आता हूँ। रत्ना? गौरी, रत्ना कहाँ है? वो तो उस्ताद जी के साथ दरबार छोड़कर चली गई। चली गई? कहाँ चली गई? मैंने उनसे बहुत पूछा, मगर दीदी ने कुछ बताया नहीं। आपके लिए शादी का एक तोहफा छोड़ गई है। शादी का तोहफा? जी हाँ, ये तानपुरा जो खुद आपको देना चाहती थी मगर दे ना सकी। नहीं नहीं, रत्ना इस तरह मेरी जिंदगी से नहीं जा सकती। नहीं, जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ बेटी, इसी में तुम्हारी जीत है। नहीं उस्ताद जी, मैं जीत कर भी हार गई हूँ। रत्ना, संगीत धीरे धीरे उस तड़प को अपने आप में समो लेगा, तुम्हें एक नई जिंदगी देगा। नहीं उस्ताद जी, मैं संगीत को हमेशा हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से निकाल देना चाहती हूँ। संगीत होगा तो उनकी याद हर पल तड़पाती रहेगी। शायद कोई आ रहा है। गाड़ी वाले, गाड़ी तेज चलाओ और तेज। रत्ना, और तेज चलाओ। रत्ना रुक जाओ, रत्ना रुक जाओ, रुक जाओ रत्ना। उस्ताद जी, घबराओ नहीं बेटी। प्रकाश, तुम इस वक्त यहाँ? हाँ, मैं रत्ना को लेने आया हूँ। चलो रत्ना। नहीं नहीं, ये आपने अच्छा नहीं किया, आप लौट जाइए। सबको जानने के बाद मुझसे ये नहीं होगा, मेरी भूल की इतनी बड़ी सजा मत दो, मुझे माफ कर दो। प्रकाश, मैं दुनिया के सारे बंधन तोड़ के तुम्हारे पास आया हूँ, मुझे मेरा प्यार लौटा दो। नहीं प्रकाश, मैं किसी की आहों पर अपने प्यार का नशीमा नहीं बना सकती। अगर हमारा प्यार सच्चा है तो अगले जन्म में हम एक दूसरे के होकर रहेंगे, मैं वादा करती हूँ प्रकाश। ये जन्म जो हमें जिंदगी दे रहा है, इसे मौत में कैसे बदल दूं? हमारा मिलन इसी जन्म में होगा, देर मत करो। लेकिन प्रकाश, देर मत करो रत्ना। देखो देखो कोई आ रहा है, कहीं हमारी मोहब्बत का दुश्मन ना हो, इससे पहले कि हमें अलग कर दे, चलो भाग चले। चलो जाओ बेटी, मोहब्बत का यही तकाजा है, अल्लाह को भी शायद यही मंजूर है। जाओ बेटे, जाओ जाओ, संभल के बेटे, संभल के। Thank you.
रत्ना। प्रकाश। प्रकाश, मैंने कहा था ना, हमारा मिलन मुमकिन नहीं। नहीं, ऐसा मत बोलो, ऐसा मत बोलो। हमारे हमारे जिस्म मिट सकते हैं, लेकिन हमारा प्यार नहीं मिट सकता। सच प्रकाश, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। मैं वादा करता हूं, मैं जरूर। तुम अपना वादा भूल गए प्रकाश। तुमने कहा था कि हमारे प्यार की अधूरी कहानी अगले जन्म में जरूर पूरी होगी। बोलो प्रकाश, कहा था ना, मगर वो कहानी आज भी अधूरी है। मैं आज भी इस वादी में तुम्हारा इंतजार कर रही हूं। क्या तुम मेरे पास नहीं आओगे? जवाब दो प्रकाश, क्या तुम अपना वादा पूरा नहीं करोगे? बोलो प्रकाश, नहीं आओगे? सूरज, सूरज, तुम यहां हो? तुम्हारी तलाश में मैंने सारा चंदनगढ़ छान मारा। सूरज, मैं तुमसे बात कर रहा हूं। सूरज, सूरज, कहां? सिन्हा, मैं सिन्हा हूं। रत्ना, रत्ना कहां गई? रत्ना? कौन रत्ना? ये रत्ना की तस्वीर। ये रत्ना, ये तुमसे बात कर रही थी। क्या कह रहे हो तुम? अभी मुझसे बात कर रही थी, कहाँ चली गई? रत्ना, सूरज तुमको क्या हो गया? तुम क्या बातें कर रहे हो, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। रत्ना, रत्ना कहाँ चली गई? ओहो सूरज, सूरज नहीं, सूरज नहीं, सूरज तुम क्या? रत्ना, रत्ना को छोड़ के नहीं जाऊंगा। ओहो तुमको क्या हो गया सूरज? तुमको मैं रत्ना को छोड़ के नहीं जाऊंगा। रत्ना, रत्ना, सूरज तुमको क्या? सूरज, रत्ना, सूरज, सूरज, रत्ना, चौकीदार, चौकीदार, इधर आइए, इधर आओ, सामान साफ करो। मेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। अरे ये क्या, तुम अभी तक तैयार नहीं हुए? तुम्हें चलना है ना मेरे साथ? नहीं बेटा, मेरा कहीं भी जाने को जी नहीं चाहता। जयपुर से आए तुम्हें 4 दिन हुए हैं, तब से तुम कमरे में बंद हो, ना कहीं आना, ना कहीं जाना, ना किसी से मिलना, ना जुलना, ना पार्टी, ना फंक्शन। आखिर तुम्हें हो क्या गया है? मुझे क्या हो गया मैं खुद भी नहीं जानता रीटा। लगता है स्थानपुर ने मेरी जिंदगी के तार फिर से छेड़ दिए, वो प्यार फिर जिंदा कर दिया है जिसे मैं भूल चुका था। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे लिए तोहफा नहीं बल्कि अपने लिए एक सौत लेकर आई हूँ। मैं अभी इसी वक्त इसे उठाकर फेंक दूंगी। डोंट टच इट। छोटी सी सूरज, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो, मैं अपने आपे में नहीं था। आई एम रियली सॉरी, सॉरी। इसलिए तो कहते हैं कि कुछ दिनों के लिए संगीत को भूल जाओ और चलो इस माहौल से कहीं दूर चले। यू आर राइट, तुमने बिल्कुल ठीक कहा रीता। पता नहीं सूरज को आजकल क्या हो गया, अपने आप में खोया रखा। आई थिंक इसका एक ही इलाज है, इसे यहां से कहीं दूर ले जाओ। मेरे ख्याल से स्विट्जरलैंड अच्छा रहेगा। स्विट्जरलैंड? ऑफ कोर्स, राय बहादुर की इकलौती और चहेती लड़की रीता देवी हनीमून मनाने के लिए स्विट्जरलैंड नहीं जाएंगी तो कहां जाएंगी? पूना? सिन्हा, अरे यार तुम चुप रहो, मैं तुम्हारा सेक्रेटरी हूं, तुम्हारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है ये सोचना मेरा काम है। ओके, चलो रीटा आज ही तुम्हारे डैडी से बात कर ले, चट मंगनी पट पे आ। एक बार शादी की तारीख पक्की हो जाए तो इनविटेशन कार्ड्स, मेहमानों की लिस्ट, रिसेप्शन, कॉकटेल, माय गॉड बहुत काम है। एंड यू नो आई एम वेरी वेरी बिजी मैन, ये काम जितना जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। डार्लिंग मैं जाऊं? सी,
राम सरदार। राम राम डॉक्टर बाबू। अब खांसी कैसी है? अरे तुम्हारी दवाई से बिल्कुल ठीक हो गई है। अच्छा अच्छा। डॉक्टर ये साहब कौन है, इनको नहीं देखा पहले? अरे ये बंटू के मामा है। अच्छा अच्छा, नमस्ते नमस्ते। खुश रहो खुश रहो। चलो डॉक्टर साहब वो पेट में कुछ, हाँ दवाखाने आ जाना। अच्छा बेटा, आओ। गुलाब सिंह जी साहब, साहब का सामान गाड़ी से निकाल कर अंदर ले आओ। सूरज। वाह जीजा जी, आपने तो 5 साल में इस जगह का नक्शा ही बदल दिया। ओह व्हाट अ कलेक्शन आई मस्ट से। ये सब बस्ती वालों ने मुझे प्रेजेंट किया। हाँ मामा, यहाँ के लोग डैडी से बहुत प्यार करते हैं, उनसे पूछे बिना कोई काम नहीं करते। बंटू बेटे, मेरी तारीफ ही करते रहोगे, मामा जी के लिए कुछ नाश्ते पाने का भी बंदोबस्त करोगे? अभी करता हूँ डैडी। गुड, अरे अब आओ बैठो। तो सूरज कुछ दिन ठहरोगे या जल्दी जल्दी भागने का रहता है? इस बार सर लंबी छुट्टी पे आया। वंडरफुल यार, मैं भी तनाई से बोर हो गया हूँ, मजा आएगा, अच्छी कंपनी रहेगी। नहीं डैडी, कंपनी तो मेरी और मामा जी की रहेगी, आज तो बच्ची वालों के साथ ही रहिए। शैतान कहेगा, बंटू मुझे नाराज रहता है, इसके साथ ज्यादा वक्त नहीं गुजार पाता ना। राम राम डॉक्टर बाबू। अरे अप्पा तुम आओ, क्या बात है? कुछ नहीं डॉक्टर बाबू, जंगल से गुजर रहा था, रास्ते में चीते से झड़प हो गई, साले ने पंजा मार दिया है। बात तो ऐसे करो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अरे हाँ अप्पा, इनसे मिलो, ये सूरज हैं, बंटू के मामा। बाबा के मामा यानी के आपके सारे। राम राम बाबूजी, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। राम राम। सूरज ये अप्पू है, यहाँ के सरदार का बेटा। बैठो बैठो बैठो, दवाई लगाता हूँ। क्यों बाबा, कैसा है? अप्पा हमसे बात मत करो। क्यों? तुम हमसे झूठे वादे करते हो। नहीं बाबा, अप्पा कभी झूठ नहीं बोलता। तो फिर तीर कमान लाए हो? अरे 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 अरे, ये तो हम बिल्कुल ही भूल गए, इस बार माफ कर दो बाबा, अगली बार जरूर लेके आएगा। आज तो हमारा ये हार ले लो। शाबाश बाबा शाबाश। शाबाश, ये लो दवाई लगा दी, आइंदा चीते से झड़प मत किया करो। अरे संतान, डॉक्टर बाबू के घर कुछ मुर्गियां और अंडे भेज देना। क्यों अप्पा, रिश्वत देने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं डॉक्टर बाबू नहीं, आपके मेहमान सारी बस्ती के मेहमान। अच्छा मैं चलता हूँ। अच्छा बाबा, राम राम बाबू जी। राम राम। देखा सूरज, कहने को तो ये लोग जंगली हैं, लेकिन इनका दिल कितना साफ है। मामा ये हार कैसा लगता है? अच्छा हमें दे दो। नहीं मामा, अप्पा नाराज हो जाएगा। बंटू ठीक कह रहा है सूरज, यहाँ के लोग अपना हार उसी को पहनाते हैं जिसे दिलो चांद से चाहते हैं। मामा अब मैं सारे बस्ती का दोस्त बन गया हूँ। तो अब आप हमारे क्या है? तुम्हारा तो मैं बेटा हूँ। अच्छा, हाउ स्वीट हाउ स्वीट हाउ स्वीट। सूरज कहाँ खो गए हो? सपने में। कमाल है, तुम जाग कर भी सपने देखते हो। मेरे सपने का संबंध आंखों से नहीं दिल से है, जिसे महसूस किया जा सकता है देखा नहीं जा सकता, जैसे मधुर संगीत। तुम ठीक कहते हो, संगीत तो यहाँ के लोगों की जिंदगी है, दिन भर मेहनत करते हैं और रात को इस संगीत के सुरों में खोकर अपनी सारी थकान भूल जाते हैं। संगीत चीज ही ऐसी है, साज हो या आवाज, कानों में पड़ते ही दिल के तार झनझना उठते हैं और चंचल मन को शांति मिल जाती है। वैसे एक बात है सूरज, इस खूबसूरत वादी में तुम जैसे कलाकार को इंस्पायर करने के लिए बहुत कुछ है। यहाँ की हवाओं में, फूलों में, झरनों में, हर चीज में तुम्हें संगीत सुनाई देगा। Thank you.
पहचाना नहीं? ये हमारी बस्ती है, तुम्हारा शहर नहीं बाबू। मतलब? मतलब ये कि अगर हम मेहमान के लिए जान दे सकते हैं तो वक्त आने पर उसकी जान ले भी सकते हैं। क्या समझकर तुमने जुमरी का हाथ पकड़ा था? जुमरी? हाँ हाँ जुमरी। अब इसकी सजा तुम्हें मिलकर रहेगी। बड़ा हाथ जाने दो पापा, शायद इसे कोई भूल हुई है। तुम इन शहर वालों को नहीं जानती हो जुमरी। देखने में ये लोग जितने सुंदर लगते हैं दिल के उतने ही काले होते हैं। जिस हाथ से इसने तेरा बदन छुआ है इस बस्ती के कानून के मुताबिक वो हाथ कट कर रहेगा। बड़ा हाथ। पापा खेरो, क्या बात? आपके साले ने मेरी मुगेतर पर बुरी नजर डाली है। नहीं अब्बा, ऐसा नहीं हो सकता। मुझ पर विश्वास नहीं तो पूछ लीजिए जुमरी से। अब तो आया आपको यकीन? नहीं अब्बा, दरअसल बात यह है कि सूरज एक संगीतकार है। हो सकता है कि झुमरी की सुरीली आवाज पे ये मोहित हो गया हो, और फिर ये यहाँ परदेसी है। अगर अनजाने में से कोई भूल हो भी गई हो तो इसका पहला अपराध समझ के इसे माफ कर देना चाहिए। डॉक्टर बाबू, हम आपको अपना समझते हैं, आपकी इज्जत करते हैं, इसलिए इस बात को छोड़ देते। लेकिन इस बस्ती के कायदे कानून अपने साले को अच्छी तरह से समझा दीजिए। इसे मालूम होना चाहिए कि जंगल में सिर्फ जंगल के ही कानून चलते हैं। ले जाइए इसे। ठीक है ठीक है। आओ सूरज चलो। तुमने झुमरी का हाथ पकड़कर अच्छा नहीं किया सूरज। आई एम सॉरी जीजा जी, लेकिन उसे देखने के बाद मैं अपने दिल पर काबू नहीं पा सका। तुम्हें अपने दिल पर काबू रखना होगा। यहाँ का हुस्न बेमिसाल है और यहाँ वाले अपनी लड़कियों पर बुरी नजर डालने वालों की जान तक ले लेते हैं। सॉरी जीजा जी, लेकिन आप जो समझ रहे हैं वैसा नहीं है। हम एक दूसरे के लिए अजनबी नहीं हैं। हम एक दूसरे से मिल चुके हैं। मिल चुके हैं? कब, कहाँ? चंदनगढ़ में, आज से बरसों पहले। बरसों पहले? तुमने जरूर उसे सपने में देखा होगा। मैं आपको कैसे समझाऊं, मैं इस जन्म की बात नहीं कर रहा हूँ, पिछले जन्म की बात कर रहा हूँ, जब हम एक दूसरे के काफी करीब थे और जन्म जन्म का साथ निभाने का वादा कर चुके थे। What nonsense! आज के जमाने में जब इंसान चांद सितारों पर जाने की बातें कर रहा है, उन्हें काबू करने की कोशिश कर रहा है, तुम इन बातों पर यकीन करते हो? ये हकीकत है जीजा जी। कुछ भी हो, मैं तो क्या कोई भी पढ़ा लिखा इंसान इन बातों पर यकीन नहीं कर सकता। ये वहम अपने दिल से निकाल दो। ए, ले ले, खा, खाना। सावन भादों फिर भी मेरा
भी मेरा मन प्यासा। अरे क्या बात है, किसके ध्यान में खोई है रे? तुझसे मतलब, तू कौन होता पूछने वाला? अरे अरे अरे, थोड़ी देर अपने मुखेतर से बात तो करती जा मेरी जान। शर्माती है मालिक, लगता है अब तो झुमरी शादी के बाद ही बात करेगी। मैं पूछती चाची, ये मंगेशकर हुई थी किसने की? अरे नाम मुराद, मरने से पहले तेरे बाबा ने सरदार को जवान दी थी। दी होगी, पर मैं आपा से कभी शादी नहीं करूंगी। उससे कह देना फिर कभी मुझ पर नजर डाली तो आर पार कर दूंगी ये कटार। अरे काहे को बिगड़ती है रे, मैं तो अपनी खुखरी लेने आया हूँ। खुखरी ये ले अपनी खुखरी और निकाल दो अठनिया। दो अठनिया कहेगी? जरा इसकी धार तो देख, और कोई होता तो हाथ भी नहीं लगाता तेरी सड़ी हुई खुखरी को। अच्छा, अरे अरे क्या धार क्या धार, बिल्कुल तेरी जवान जैसी है। अभी तो सिर्फ जुबान की ही धार देखी है, इस कटार की नहीं। अच्छा चल आज इस बात पर वो भी दिखा दे। खबरदार हाथ मत लगाना, नहीं तो आर पार कर दूंगी ये कटार। फिर ये हार किसे पहनाएगी? अरे तू क्या समझता है, बहुत है सिर के सवा सिर। अप्पा के होते हुए इस बस्ती में है कोई माई का लाल जिसमें तेरा हाथ थामने का बल हो? अरे जा जा, इस भूल में मत रहना, झुमरी का हाथ थामने के लिए हाथ भर का कलेजा चाहिए, समझा? बस बस की गोड़ी, अब चुप रहती है या नहीं? हाँ बेटा, इसके कहने का बुरा नहीं मानना। बुरा कौन मानता है चाची, एक दिन तो ये फूल मेरे ही आंगन में खिलने वाला है। चल आंगन वाला। अरे चुप करती है कि नहीं है? चल खाना बना, चल। गुस्से में अपना हाथ जला लिया। हाय राम, अरे तो छाला पड़ गया, जल्दी से डॉक्टर के पास जा, पट्टी बना के। अरे उठ भाई, उठ जल्दी से। देखो मामा मैंने क्या मारा है, चौका। अरे वाह वाह, चौका तो मारा लेकिन बॉल तो नीचे चली गई है। आप जाइए ढूंढ के लाइए। फिर मैं अभी आया। डॉक्टर बाबू है? तुम? डॉक्टर बाबू घर में है? नहीं, क्यों, क्या बात है? मलम चाहिए, हाथ जल गया। हाथ? अरे तुम यहाँ बैठो, मैं दवा लेकर आता हूँ। तुम्हें याद है एक दिन चंदनगढ़ में सितार बजाते बजाते मेरी उंगलियां जख्मी हो गई थी और तुमने महरम भिजवाया था? मैंने? गौरी के हाथ। गौरी? कौन गौरी? क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं? गौरी, महाराज उत्तम सिंह, उस्ताद बंदेली खां। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो बाबू, मैंने तो ये सब नाम आज पहली बार सुने हैं। मैं इस जन्म की नहीं पिछले जन्म की बात कर रहा हूँ रत्ना। पिछले जन्म की? देखो बाबू, तुम्हारी ये सब बातें मेरी समझ में नहीं आ रही है। तुमने इससे पहले भी मुझे रत्ना कहकर पुकारा था, क्यों? क्योंकि तुम रत्ना हो। नहीं, मेरा नाम झुमरी है और मैं कुछ नहीं जानती। तुम वही रत्ना हो जिसे मेरा प्यार परसों से खोज रहा है। तुम्हारा प्यार? हाँ। देखो बाबू,
तुम्हारी ये सब बातें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। आइंदा कभी ऐसी बातें मुझसे मत करना। मैं जाती हूँ। मामा, मामा, ये झुमरी क्यों आई थी? वो हाँ, उसका हाथ जल गया था इसलिए दवा लगा रहा था। ये क्या दवा है? हाँ? ये तो सरसों का तेल है, तेल। कुछ भी हो लेकिन मैंने तो लगा दिया बेटे। अच्छा हुआ तुम डॉक्टर नहीं बने। क्यों? नहीं तो मरीजों की छुट्टी हो जाती। शैतान कहेगा। चला। गुड इवनिंग अंकल। गुड इवनिंग मैन, व्हाट न्यूज़ यू ब्रिंग? हाउ आर यू सर? आई एम वेरी वेल। हेलो रीटा। हेलो, सूरज का कुछ पता चला? भाई जितने भी उसके दोस्त जान पहचान वाले और रिश्तेदार थे उन सबको मैंने रिप्लाई पे टेलीग्राम भेजा। अंकल ये उनका जवाब है। अंकल सूरज का कहीं पता नहीं। हाँ फिर तो पुलिस को फौरन इत्तला करना चाहिए। उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। वो कहीं कुछ। डैडी प्लीज ऐसे मत कहिए। आई एम सॉरी डियर, मेरी समझ में ये नहीं आता है कि उसके लिए क्या किया जाए। मेरा भी दिमाग काम नहीं कर रहा अंकल, क्या करें। सुनो हाँ? इसमें डॉक्टर विनोद का टेलीग्राम नहीं है। भाई सबसे पहले टेलीग्राम तो मैंने उन्हीं को भेजा था। उन्हीं को भेजा था? हाँ? तो कहीं वो डॉक्टर विनोद की हाथों नहीं है? हो सकता है। मे बी यू आर राइट। आशा और निराशा
जाना। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम मुझे क्यों तड़पाते हो बाबू? मैं तुम्हें क्या तड़पाऊंगा, मैं तो खुद तड़प रहा हूं। तुम यहां से चले क्यों नहीं जाते? चला जाऊं कहां? चला जाऊं कैसे? चला जाऊं? ये तो वो वादी है जहां पर हम दोनों की मौत हुई थी। ये तो वो धरती है जहां पिछले जन्म के दो प्रेमी दफन हैं। ये तो वो जगह है जहां पर मरने से पहले हम दोनों ने जन्म जन्म तक साथ निभाने की कसमें खाई थी। तुम ही बताओ इस धरती को छोड़कर कहां चले जाऊं, कैसे चला जाऊं? तुम्हारी बातें मेरी समझ में कुछ भी नहीं आती है। आखिर तुम चाहते क्या हो बाबू? मैं तुम्हें वो कहानी याद दिलाना चाहता हूँ जो चंदनगढ़ के राजमहल से शुरू हुई लेकिन पूरी होने से पहले खत्म कर दी गई। ये झूठ है, मेरा उस कहानी से क्या संबंध है? संबंध है, बहुत गहरा संबंध है। अगर तुम ना होती तो वो कहानी कभी शुरू ना होती। मेरा विश्वास करो, मुझ पर यकीन करो रत्ना, आज भी चंदनगढ़ के राजमहल में तुम्हारी तस्वीर लगी है। तस्वीर? हाँ। मेरी तस्वीर? हाँ। नहीं नहीं बाबू, तुमसे जरूर कोई भूल हुई है, वो तस्वीर किसी और की होगी। रत्ना, चंदनगढ़ यहाँ से ज्यादा दूर तो नहीं, तुम चलकर अपनी आंखों से देख लो और चलकर खुद ही फैसला कर लो। आज देखो देखो ये चंदनगढ़ का राजमहल है, इसे देख के कुछ याद आया? जानती हो पिछले जन्म में तुम यहाँ की राज नर्तकी थी और मैं यहाँ का राज गायक। इसी शाही बाग में हम मिला करते थे जहां से हमारी मोहब्बत शुरू हुई थी। कुछ याद आया? कुछ भी नहीं? नहीं। आओ आओ मेरे साथ। ये वही राज दरबार है। वही दीवारें हैं, वही सतून है, इन पर की गई नक्काशी। बरसों बीत गए कुछ भी तो नहीं बदला। इसे गौर से देखो, पहचाने की कोशिश करो। ये वही राज दरबार है। कुछ याद आया? आओ आओ मेरे साथ। ये दीवाने खास है जहां पर नृत्य और संगीत की महफिलें जमा करती थी। याद करो ये वही जगह है जहां पहली बार तुम्हारा हमारा सामना हुआ था। यहां पर महाराज बैठा करते थे और चारों तरफ दरबारी। उस तरफ गुरुजी का सिंहासन था और उस तरफ उस्ताद बंदे अली खां। और तुम गौरी के साथ मेरे बिल्कुल सामने बैठी थी और जैसे महाराज का इशारा हुआ मेरी उंगलियां सितार पर मचल उठी और तुम्हारे पांव बिजली की तरह थिरकने लगे। ये वही जगह है जहां हम रहा करते थे। उस तरफ मेरा कमरा था और इस तरफ तुम्हारा। ये देखो
रत्ना। प्रकाश प्रकाश रत्ना ऑडिटर। नमस्ते डॉक्टर साहब। अरे सिन्हा तुम आओ आओ चलो भाई जाओ कल दवाई लेने आ जाना। कैसे हो? ठीक बिल्कुल ठीक। आप हैं मिस रीटा मल्होत्रा वो सूरज की? हाँ समझ गया। नमस्ते, नमस्ते। माफ कीजिएगा रीटा जी उस दिन मैं आपकी पार्टी में शामिल नहीं हो सका मुझे जल्दी थी। कोई बात आइए तशरीफ रखिए। भाई सिन्हा ये अचानक हमला कैसे? न कोई चिट्ठी न कोई तार। आइए तशरीफ रखिए। क्या बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब हमने तो आपको तार दिया था आप ही ने उसका जवाब नहीं दिया। हाँ वैसे ना तार तो तुम्हारा मिला था लेकिन क्या है कि सूरज ने जवाब देने से मना कर दिया यही ना। ना रीता जी बात तो कुछ ऐसी है। गुलाब सिंह चाय लाना। अच्छा जी सूरज घर में नहीं है कहाँ है? वो कल से कहीं घूमने फिरने गया है आ जाएगा। कल से बाहर है वो? रीता जी आप तो जानती हैं कि सूरज एक कलाकार है जहां कहीं उसे प्रेरणा मिलती है वहीं खो जाता है।
नहीं वो दीवाना जिनको दीवाने लोग कहते हैं। गांव में तो प्रेमी रहते हैं। और ये जो पहाड़ियां देख रहे हैं ना, सारी बर्फ से ढक जाती है। डॉक्टर बाबू, अपा क्या बात है अपा, इधर कैसे रास्ता भूल गए? मैं आपके सारे साहब से मिलने आया हूँ। कहाँ है वो, जरा बुलाइए उन्हें। सूरज इधर ही कहीं घूमने फिरने गया है, आता ही होगा। नहीं डॉक्टर बाबू, नहीं, अब वो नहीं आएगा। क्यों, कहाँ गया वो? यही तो मैं आपसे पूछने आया हूँ, कहाँ गया है वो। अपा मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा। वहां मेरी जुमरी नहीं और यहाँ तुम्हारा साला नहीं। तुम ये कहना चाहते हो कि सूरज झुमरी को ले गया है? ले नहीं गया डॉक्टर बाबू, भगा ले गया है। अपा तुम ये क्या कह रहे हो? मैं ठीक कहता हूँ डॉक्टर बाबू, आप हमारी बस्ती के कायदे कानून से अच्छी तरह से वाकिफ हैं। अगर हमारी बस्ती की लड़की को कोई साला हाथ भी लगाता है तो हम उसके हाथ काट देते हैं। अपा तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है, सूरज कुछ भी करेगा लेकिन किसी लड़की की इज्जत से नहीं खेलेगा। सूरज, आपने ठीक कहा था डॉक्टर बाबू, आपका साला कुछ भी कर सकता है लेकिन किसी लड़की की इज्जत से नहीं खेल सकता। ये क्या बात? चुप रहो शर्म, रात की सिपाही मर्द के साथ दुदरिया भागे दिखा रही है। जुबान पे लगाम दो अप्पा, झुमरी आज भी गंगा की तरह पवित्र है, अगर हमारे मन में पाप होता तो हम यहाँ वापस कभी नहीं आते। बकवास बंद कर, आंखें दिखाने से कुछ नहीं होगा, झुमरी मेरी है और मेरी ही रहेगी। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। छोड़ दे कुकरी, मैं कहती हूँ छोड़ दे कुकरी। अच्छा, मैं कहता हूँ हट जा। मैं नहीं हटूंगी, बस्ती का कानून हाथ में लेने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं, इस बात का फैसला सिर्फ सरदारी कर सकता है। तबाह हो जा। अप्पा, अप्पा, अप्पा रुक जा। अप्पा तुम्हें मेरी कसम है, अप्पा तू रुक जा, मेरी बात सुनिए। मैं कहता हूँ गुस्सा, मैं इसका खून पी जाऊंगा। खून खराबा करने से कोई फायदा नहीं है, अगर सूरज ने कसूर किया है तो उसको उसकी सजा जरूर मिलेगी। छोड़ दो डॉक्टर बाबू। अप्पा तू मेरा विश्वास कर, जो सरदार का हुक्म होगा उसे मानेंगे। नहीं अप्पा, तू मेरी इज्जत करता है ना, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, इस बार तू मेरी बात मान ले, जो फैसला होगा वो हम मानेंगे। जा इस वक्त। ठीक है डॉक्टर बाबू, इस वक्त मैं जाता हूँ, लेकिन इसका फैसला बहुत जल्द हो जाना चाहिए। बहुत जल्द होगा पाप, बहुत जल्द होगा। ठीक है, जुमरी को हमारे साथ भेज दो। जुमरी कहीं नहीं जाएगी, यहीं पर रहेगी। अप्पा, सूरज, अप्पा ने मेरी बात मान ली है, तुम्हें भी मेरा कहा मानना होगा। प्लीज जुमरी जा बस्ती में, चल जा। जुमरी जा, सरदार का फैसला भी हम सुन लेंगे। जानते हो सूरज, तुम्हारी वजह से आज मुझे कितना जलील होना पड़ा, मेरी बरसों की कमाई हुई इज्जत आज मिट्टी में मिल गई। मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि तुम्हारे जैसा महान कलाकार ऐसा काम भी कर सकता। आप लोग जानना चाहते हैं ना कि मैं जुमरी को कहां और क्यों लेकर गया था? मैं जुमरी को चंदनगढ़ के राजमहल में लेकर गया था, उसे पिछले जन्म की याद दिलाने के लिए, उसे वो तस्वीर दिखाने के लिए जो अब भी वहां पर है। सिना, तुमने तो वो तस्वीर देखी है, बताते क्यों नहीं लोगों को कि वो तस्वीर और इस लड़की की शक्ल एक है? सूरज ठीक कहता है डॉक्टर साहब, झुमरी की शक्ल हूबहू उस तस्वीर से मिलती है। क्या? पहले मुझे भी विश्वास नहीं होता था डॉक्टर साहब, लेकिन झुमरी को देखने के बाद
मुझे ऐसा लगा इन दोनों का पिछले जन्म में जरूर कोई संबंध था। लेकिन ये कैसे हो सकता है? आप नहीं समझेंगे डॉक्टर साहब, आपकी साइंस बीमार जिस्म का इलाज कर सकती है लेकिन आत्मा के दर्द की गहराई तक नहीं पहुंच सकती। आपके हिसाब से पुनर्जन्म एक मजाक है, वहम है, एक बहाना है। आप नहीं जानते, इंसान का दिमाग धोखा दे सकता है लेकिन उसका दिल धोखा नहीं दे सकता। नहीं सूरज, ये बात नहीं है। दरअसल मैं भी अचंभे में पड़ गया हूँ, लेकिन इतना जरूर है कि अगर तुम्हारी कहानी में जरा भी सच्चाई है तो मैं तुमसे वायदा करता हूँ कि मंजिल तक पहुंचने में मैं तुम्हारा साथ जरूर दूंगा। तुम्हारे साले ने जो कुछ किया डॉक्टर, उसकी सजा तुम अच्छी तरह जानते हो, लेकिन तुम हमारे दोस्त हो, तुमने इस बस्ती के लिए बहुत कुछ किया है, इसलिए हम सजा नहीं देंगे लेकिन उसे बस्ती छोड़कर जाना होगा। लेकिन सरदार, झुमरी और सूरज एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, वो दूसरे के बगैर जिंदा नहीं रह सकते। तो मर जाने दो उन्हें, उनके लिए हम अपना कानून नहीं तोड़ सकते। तुम अच्छी तरह जानते हो हमारे कबीले की लड़कियां सिर्फ इसी कबीले के लड़कों के साथ शादी कर सकती हैं। सरदार बात समझने की कोशिश करो, अप्पा के साथ शादी करके झुमरी कभी खुश नहीं रहेगी। डॉक्टर, तुम हमारी दोस्ती का नाजायज फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हो। हम दुश्मन को माफ कर सकते हैं लेकिन उसे दामाद नहीं बना सकते। लेकिन सरदार, वो दोनों पिछले जन्म के प्रेमी हैं। पिछला जन्म, क्या बात करते हो? आज भी चंदनगढ़ के राजमहल में झुमरी की तस्वीर लगी हुई है। तस्वीर? तुमने देखी वो तस्वीर? नहीं, लेकिन सुना है कि वो हूबहू झुमरी से मिलती है। सुनने और देखने में बहुत फर्क होता है डॉक्टर, सुनी सुनाई बात को सबूत नहीं माना जा सकता। तो ठीक है, मैं वो सबूत लेकर आऊंगा। आई डॉक्टर साहब, इसी कमरे में वो तस्वीर है। आइए आइए। अरे ये तस्वीर कहां गई? तुम्हें पूरा यकीन है कि तस्वीर यही थी? बिल्कुल, मैंने अपनी आंखों से देखी थी। देखी ना, निशान भी बाकी है उसके। तो फिर गई कहां? अरे ये झुमरी की तस्वीर यहां कैसे आई? रात गए तुम यहां? रत्ना, तुम्हारी मोहब्बत के सहारे। जानते हो तुम्हारा यहां आना ठीक नहीं, और कोई रास्ता भी तो नहीं था? हमारे रास्ते में कितनी मुश्किलें हैं, लगता है जिंदगी हमें फिर उसी पुराने मोड़ पर ले आई है। शायद हमें फिर वही इम्तिहान देना होगा। नहीं नहीं रत्ना, ऐसा मत बोलो। अब दुनिया का कोई भी तूफान हमें अलग नहीं कर सकता। प्रकाश, मुझे यहां से ले चलो। तुम मुझे यहां से ले चलो। बहुत अच्छे। तुम लोगों ने सोचा होगा कि हमारी आंखों में धूल झोंक के यहां से भाग जाओगे। अप्पा, मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, पार पड़ती हूँ, इनके इनके बीच में ना आओ। चल चल, तू इधर। अप्पा, हमारे शरमखोर को ले चलो, उसे कल सरदार खुद इसका फैसला करेगा। ले चलो। अप्पा, मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, पार पड़ जाओ। अप्पा, जुमरी। सिना, गजब हो गया सिना। क्या बात है, इतनी घबराई हुई क्यों? कल रात से मामा गायब है पापा। क्या
वो जरूर झुमरी के पास गया होगा। माय गॉड, अगर बस्ती वालों को पता लग गया तो उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। डॉक्टर साहब प्लीज किसी तरह भी झुमरी और सूरज को बचा लीजिए। रीटा, ये तुम कह रही हो? हाँ सिना, सूरज और झुमरी जन्म जन्म के साथी हैं। सूरज पे सिर्फ झुमरी का हक है। डॉक्टर साहब प्लीज। काश कि मुझे वो तस्वीर मिल जाती। कौन सी तस्वीर? झुमरी की? हाँ बेटे, तुमने देखी है? हाँ पापा, अप्पा ने उसे वादी में फेंक दिया था। मैं उसे ले आया हूँ। कहाँ है वो? अभी लाता हूँ। अजीब बात है, हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि झुमरी और रत्ना वाकई एक है। सरदार, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था, लेकिन तुमने मेरी बात का यकीन नहीं किया। लेकिन तुमने सबूत लाने में बहुत देर कर दी। देर इसलिए हो गई सरदार कि सबूत गायब हो गया था। क्या मतलब? अप्पा ने इस तस्वीर को महल से चुराकर वादी में फेंक दिया था। क्या? हाँ, वो तो बंटू वहां से गुजर रहा था कि उसने देख लिया, वरना ना ये सबूत हम यहां लाते और ना तुम अपना फैसला बदलते। हमें अफसोस है कि हम अपना फैसला दे चुके हैं। नहीं सरदार, नहीं, कुछ तो करना ही होगा। सरदार कुछ करो, जल्दी करो। ठीक है, चलो मेरे साथ। चलिए चलो। अब्बा छोड़ दे इसे, भगवान के लिए छोड़ दे इसे। नहीं अब्बा नहीं, इतना जुल्म मत करो। अरे झुमरी, आज तो तुझे भी खुश होना चाहिए, देखते रहे आशिक के सारे पाप धुल रहे हैं। अब्बा छोड़ दे इसे, तुझे देवता की कसम। मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ झुमरी, वो देवता के हुक्म और कबीले के कानून के मुताबिक ही कर रहा हूँ, समझी? नहीं झुमरी नहीं, इससे रहम की भीख मत मांग। प्यार मिटाने वाले खुद मिट जाते हैं, लेकिन प्यार नहीं मिटता। अभी देख लेता हूँ। अप्पा, अप्पा रुक जाओ। अप्पा, अबे तुम? सरदार इसे बचा लो, सरदार इसे बचा लो तुम। बेटी धीरे रखो, अप्पा इन्हें छोड़ दो। छोड़ दो? तुमने खुद ही तो इन्हें सजा देने के लिए कहा था। लेकिन मैंने तो कहा था इसे बस्ती से बाहर छोड़ाओ, ये तो नहीं कहा था ऐसे घोड़े से बात कर घसीटते हुए ले जाओ। तुम्हारी बेहतरी इसी में है, इन दोनों को हमारे हवाले कर दो। ऐसा कभी नहीं होगा। हम तुम्हें हुक्म देते हैं, हम कबीले के सरदार हैं। है नहीं थे बागी गद्दार, तेरी ये हिम्मत? मैं भी बताता हूं उस कबीले का सरदार कौन है। कहा हो जाओ यहां से। उठो बेटे। बाबा शैतान बदमाश, कमीने छोड़ दे मुझे, कमीने। प्रकाश, प्रकाश, अप्पा झुमरी को लेकर भाग गया है। अंदर तो शादी हो जानी चाहिए। छोड़ दे मुझे।
तू बस्ती के कानून कायदे भूल गया है? जो बस्ती की बहू बेटियों को हाथ लगाता उसके हाथ काट दिए जाते हैं, उसकी बोटी बोटी करके कुत्तों के सामने डाल दिए जाते हैं कबीले। अरे हाँ, इतनी आसानी से थोड़ी तुझे मारूंगा। मुझे इतनी बड़ी सजा मत दो, तुम जुबली की कसम। अरे कायर डरपोक, कसम भी दी तो उस प्यार की जिसे तू रुसवा करने जा रहा था। जा जा, हमने तुझे माफ किया। प्रकाश, 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 तुम्हारी बाहों में सिमट कर ऐसा लग रहा है जैसे जिंदगी लौट आई है। तुमने मेरे लिए कितने दुख झेले हैं। तुम्हारे लिए नहीं, अपने अपने प्यार के लिए। तुम्हारा बाबा इस वक्त हम तुम्हारे बाप नहीं, सरदार हैं। हम तुम्हें जुर्म की ऐसी सजा देंगे जो जिंदगी भर याद रखोगे। दबाओ जाए नजरों के सामने से। बेटे, बेटे, हमारे बेटे ने जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया है हम उसके लिए बहुत शर्मिंदा हैं। हम ये तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूल सकते। सरदार, जिंदगी भर मैंने तुम्हारे कबीले के दुख बांटे, लेकिन आज इन दो प्रेमियों को मिलाकर तुमने मुझे हमेशा के लिए खरीद लिया। देवता, तुम दोनों की जोड़ी सलामत रखे। दूधो नहाओ, पूतो भलो भूलो, मगर पब्लिक के शो हमेशा करते रहो, इसी में तुम दोनों का सुख है। हम तो नहीं वो दीवाना, दीवाने लोग।